ग्वालियर के डबरा में बीते दिनों धारदार हथियार से हत्या कर नाले में फेंके गए शव के मामले में हैरान कर देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आरोपी हत्या के बाद मृतक के शव को ठेले पर ले जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जिसके आधार पर पुलिस ने दो हत्यारों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और वहां अभी भी फरार है, लेकिन अभी तक हत्या की वजह का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस का कहना है कि इस हत्या की वारदात में दो लोगों की पहचान हो चुकी है और आशंका है कि इस हत्या के मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। वही हत्या की वजह अभी सामने नहीं आ सकी है। दोनों आरोपियों के गिरफ्तार होने के बाद ही हत्या की असली वजह का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। डबरा थाने में जो है धर्मवीर जाट जो है उनकी जो है डेड बॉडी एक नाले में मिली थी और परिजनों द्वारा शिनाख्त की गई। उनकी शिनाख्ती पर धर्मवीर जाट निवासी सेरई का होना पाया गया। उनके फादर राजेंद्र सिंह है जाट। मर की जांच की गई, मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक के शरीर में आई चोट है और टेक्निकल साक्ष्यवान ने जो साक्ष्यों के आधार पर दो लोग मृतक को जो है ठेले पर ले जाते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखे हैं, उसके आधार पर प्रकरण में जाँच पर से जो है हत्या का प्रयास तथा साक्ष्य छुपाने का प्रयास छोटू कुशवा और महेंद्र कुशवा व उनके अन्य साथियों पर पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में विवेचना की जा रही, जल्दी से जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर घटना का मेन कारण पता किया जाएगा कि धर्मवीर जाट की हत्या क्यों की गई।